नमस्कार साथियों, भगवान विष्णु के अवतारों की श्रृंखला में आज हम भगवान के यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार तथा आदिरज पृथु अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञ अवतार भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मन्वंतर में हुआ था। भगवान ब्रह्मा के वाम तथा दक्षिण से पुरुष तथा स्त्री की मानसी सृष्टि हुई, जिसमें से एक प्रथम मनु स्वयंभूव मनु तथा शत्रुपा हुए। इनके 10 पुत्र तथा आकुति, देवहूति एवं प्रसूति नामक कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनसे भगवान यज्ञ तथा माता दक्षिणा प्रकट हुए। इन दोनों का परस्पर विवाह हुआ क्योंकि ये दोनों अयोनित थे, अतः इनका भाई बहन होते हुए भी विवाह शास्त्र सम्मत था। इन्हीं के पुत्र याम आदि हुए। मनु जी ने विवाह से पहले ही यह वचन लिया था कि प्रथम पुत्र उन्हें गोद दे दिया जाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि पुत्र नारायण का अवतार होंगे। इस वचन के अनुसार मनु ने यज्ञ को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया। यज्ञ विष्णु रूप एवं दक्षिणा लक्ष्मी रूपा थी। इन्हीं के कारण से सृष्टि में सर्वप्रथम यज्ञों की प्रक्रिया आरंभ हुई। इन यज्ञों के कारण देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात सर्वश्रेष्ठ रखा। भगवान शिव और ऋषभ देव की वेशभूषा और चरित्र में लगभग समानता है। दोनों को ही नाथों का नाथ आदिनाथ कहा जाता है। दोनों ही जटाधारी और दिगंबर हैं। दोनों के लिए ही हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही कैलाशवासी हैं। ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही तपस्या कर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों के ही प्रमुख पुत्र हैं। दोनों का ही संबंध नंदी बैल से है। ऋषभदेव का चरण चिन्ह बैल है। शिव पार्वती के संग है तो ऋषभ भी पार्वत्य वृत्ति के हैं। दोनों ही मयूर पिच्छिकाधारी हैं। दोनों की मान्यताओं में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। शिव चंद्रांकन है तो ऋषभ भी चंद्र जैसे मुखमंडल से सुशोभित है। जैन मान्यता है कि पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व तक तीर्थकर मौन रहते हैं, अतः आदिनाथ को 1 वर्ष तक भूखे रहना पड़ा। इसके बाद वे अपने पौत्र श्रेयांश के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। वह दिन आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी इस दिन गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार कठोर तप करके ऋषभनाथ को कैवल्य ज्ञान अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जिनेंद्र बन गए। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधि लीन हो गए और वहीं माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। निरंतर सांसारिक विषय भोगों की अभिलाषा रखने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुई जीवात्माओं को उन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया।
और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को हम सभी नमस्कार करते। आदिराज पृथु भगवान विष्णु के नवे अवतार हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभुव मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु के मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ, उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहने लगा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। भूमंडल पर सर्वांगीण रूप से राजशासन स्थापित करने के कारण ही उन्हें पृथ्वी का प्रथम राजा माना गया। उन्होंने पृथ्वी को समतल किया, जिससे वह उपज के योग्य हुई। राजा पृथु के नाम पर ही पृथ्वी का नाम हुआ। तो दोस्तों, ये हैं भगवान के यज्ञ ऋषभ देव एवं पृथु अवतार। भगवान के अन्य अवतारों के साथ आपसे फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।